हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्रैकडाउन सीरीज का रिव्यू, जो कि एक हिंदी स्पाई थ्रिलर सीरीज है और ये वूट सेलेक्ट पे रिलीज हुई है। यस, अगेन वूट सेलेक्ट पे, जो अभी हमने हमारे लास्ट वीडियो में हमने आपसे कहा था कि एक द गॉन गेम का भी हमने जिक्र किया था, वो भी वूट सेलेक्ट पे आया है। गाइस वूट्स, अच्छा रजत, एक चीज़ आपने नोट किया, वूट सेलेक्ट भी काफ़ी अग्रेसिव हो गया है और भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की जगह, और बड़ा अच्छा कंटेंट वो लेके आ रहा है गाइस। बिल्कुल, तो हम स्टार्ट करते हैं कि अच्छा गाइस, फर्स्ट इंस्टेंस में अगर मैं कहूंगा तो इट्स अ फैंटास्टिक सीरीज। 8 एपिसोड्स, यानी 8 एपिसोड्स की ये सीरीज है, और ये गाइस आपको मनोज सर की एक आपको याद होगा फैमिली मैन एक सीरीज आई थी अमेजोन पे, उसकी याद दिलाएगी। लेकिन ऑफकोर्स मैं कहना चाहूंगा कि मनोज सर का उसके अंदर कॉमेडी टाइमिंग था, सिर्फ उसको आप निकाल दें, बाकी इसमें पूरा थ्रिल आपको कुछ कुछ वैसे ही मिलेगा। और इसमें आपको फुल ऑन एक्शन है, साथ में पुलिस एंड सीक्रेट सर्विस ड्रामा है, वो इसमें फुल ऑन आपको मिलेगा। हाँ रजत, प्लीज और स्टार्ट करें, आप बताएं। ये वेरी राइटली सेट, ईच एपिसोड आपको हिला के रख देगा, यू नो, और उसमें इतने मतलब स्क्रिप्ट इतनी मतलब टाइटली लिखी गई है, इतना इसको मैं कहूँगा कि पावरफुल तरीके से वो इतना अंजाम दे रहे हैं चीज़ों को, तो मज़ा आ गया देख। डायरेक्टर ने यू नो बड़े ही तरीके से इसका एंड जो है ना, वो मतलब उसका जो रूट है या इसको हम ये रुख कह सकते हैं, उसको बिल्कुल चेंज कर दिया। आपको लगेगा एंड में जाके ऐसा होगा, लेकिन एंड में वो बिल्कुल आप ये सोच के रहोगे कि ऐसा होने वाला है, लेकिन वो आगे जाके टर्न मार जाएगा। यहाँ पे जो उसके डायरेक्टर है अपूर्व लखी, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको खेला। यस रजत, बहुत बहुत सही कह रहे हैं आप, और इसमें डायरेक्टर इसके जो अपूर्व लखिया, अपने ऑडियंस को बताते हैं कि उनका ये ओटीटी प्लेटफॉर्म में गाइस डेब्यू है, और ये फर्स्ट टाइम वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आए हैं और उनकी ये सीरीज लेके आए हैं वो अपनी, और खैर उन्होंने अपना स्टाइल बखूबी दिखाया है इसमें। जी, टॉकिंग अबाउट द स्टोरी, तो रॉ के सीक्रेट विंग DO यानी डायरेक्टोरेट ऑफ ऑपरेशन को एक टेररिस्ट को पकड़ना है, राइट, और उसके लिए वो क्या क्या स्टेप्स लेते हैं, इट्स ऑल अबाउट क्रैकडाउन, यही क्रैकडाउन में बताया। इसमें खैर बहुत टाइम के बाद में इसमें हमको दिखेंगे साकिब सलीम, और एक तो खैर वो बहुत अच्छे दिखते हैं, उनकी और फिजिक भी उनकी लाइक बहुत अच्छी इसमें उन्होंने बनाई है, और उन्होंने अपनी जो चिजल्ड बॉडी के साथ साथ अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो खैर बहुत बढ़िया लगे हैं वो। सीरीज की गाइज मैं कहना चाहूँगा कोलैटरल डैमेज एंड शो स्टॉपर इस सीरीज की जो है वो है श्रिया पिलगांवकर, और भी वो आपको सीरीज और आपको दिखती हैं। लास्ट हमने गॉन गेम किया है, उसके अंदर भी वो हैं गाइस श्रेया पिलगांवकर, और क्लाइमेक्स तो इतना इम्पैक्टफुल है कि आप हिल जाएंगे बुरी तरह, आई एम डैम श्योर। जी, इसमें एक चीज़ और है, यू नो बहुत क्रिस्प डायरेक्शन एंड फाइन परफॉर्मेंस इस सीरीज को यू नो बिंज वॉच शो बनाते हैं, और आपका ध्यान कहीं डाइवर्ट ही नहीं होने देता, मतलब आप उसको ऐसे देखने बैठोगे तो एक बार लगेगा बस देखते चले जाओ, जिसको हम बिंज वॉच बोल रहे हैं, एंड आपको पूरा यू नो थ्रिलर एस्पेक्ट मिलेगा। सीक्वल का वेट आपके साथ हम भी पूरी तरह से यू नो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टर ने लाके उसको इस एक एंड पे जाके छोड़ दिया है कि आपको लगेगा हाँ अब इसका एक सीक्वल भी आने वाला है, तो अब देखते हैं इसका क्या होता है आगे। लास्ट में गाइस कुडोस मैं कहना चाहूंगा टू वूट सेलेक्ट, उनकी थ्रिलर कैटेगरीज में आप देखें असुर आया था, लीगल सीरीज आई थी, और उसके साथ में द राइकर केस आया, उसके बाद में खैर इसके साथ में एक और जेम जुड़ गया है जो इस तरह के मतलब थ्रिलर जो कैटेगरीज में हम काउंट करना चाहेंगे। सो गाइज आप ये देखें, ये सीरीज बहुत ही मतलब बढ़िया सीरीज है, और आप कह सकते हैं एज ऑफ द सीट आपको बांध के रखेगी ये। आप देखें और प्लीज़ हमें बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ रहें, हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। ओके ओके रजत, हम लोग क्लोज करते हैं। थैंक यू। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।